मथुरा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हमलावर फरार हो गए। डैम्पियर नगर में कचहरी जाते वक्त तुलसीदास की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नगर में दिन दहाड़े हुए इस नृशंस हत्याकांड से अफरा तफरी का माहौल है और बड़ी संख्या में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचे हमलावरों की तलाश में जुट गई है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मृतक तुलसीराम के भाई की 3 साल पहले हत्या हो गई थी। वहीं एसएसपी मंजिल सैनी का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने तुलसीदास की हत्या की है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। तो हौसले किस तरह से बुलंद है, ताजा मामला मथुरा का है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी और इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी मच गई है। हत्या के बाद हमलावर अभी भी फरार हैं। डैम्पियर नगर की एक घटना है, जहां पर कचहरी जाते वक्त तुलसीदास की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तो नगर में हुए दिन दहाड़े इस नृशंस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो मुकदमे के सिलसिले में जा रहे थे और उसी वक्त उनकी हत्या हो गई। टोटी कुआं से आए थे। अच्छा, किस बात को लेके? इंद्रिया भैया मार दिया रबर है। अच्छा, और मुझको मार। अच्छा, यार हम नहीं आ रहे, सब बाहर आ रहे, इंतजाम करो। कोई थोड़ी इतने कुछ नहीं है। हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आप कच्चे जा रहे थे? घर से कच्चे जा रहे थे? तारीख थी क्या आपकी? तारीख पा रहे थे तो ये रंगा बिल्ला कहाँ रहते हैं? चौकिया रतनकुंड। और मथुरा से हमारे संवाददाता राजेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, जिस तरह से ये घटना घटी है, सिलसिलेवार घटना है ये, वाकई में वहां की कानून व्यवस्था पर भी बदमाशों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। में बदमाशों के हौसले पूरी तरह बुलंद है। ताजा मामला कोतवाली इलाके के डैम्पियर नगर में देखने को मिला है, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े तुलसीदास तोले बाबा की हत्या की। हत्या के ये सिलसिला कोई पहला मामला नहीं है, इससे पूर्व भी 3 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें तोले बाबा उर्फ तुलसीदास के भाई की भी 2 वर्ष पूर्व हमलावरों ने हत्या की थी। इसके पांच में 2 और अन्य हत्याकांड हुए थे। कुल मिलाकर मथुरा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और बदमाश खुलेआम चुनौती दे पुलिस को चुनौती देकर भाग खड़े हुए हैं। जी, अभी क्या कुछ हाल है? अभी इस पूरे मामले में अपराधियों की अभी तक कोई निशानदेही मिल पाई है क्या? जी, निश्चित रूप से इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी मामले में जुटे हुए हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है और बदमाश अभी तक फरार बताए गए हैं। जी राजेंद्र, आपसे जानेंगे, लगातार मथुरा में सिलसिलेवार घटनाओं का क्रम लगातार जारी है। 3 घटनाएं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 3 घटनाएं हो चुकी हैं, पुलिस का क्या कहना है, पुलिस के ऊपर कितना विभाग दबाव बन रहा है इन घटनाओं को देखते हुए? निश्चित रूप से आपको बता दूं, मथुरा में बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है और बेखौफ बदमाश आए दिन वारदातों को अंजाम देते हैं। आज मथुरा में 1 घंटे के अंतराल में 2 हत्याकांड सामने आए। एक टीचर की हत्या कर दी गई है, जहाँ टीचर अपनी पत्नी को छोड़कर अपने घर वापस आ रहा था कि ताबड़तोड़ बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं इस तुलसीदास तोले बाबा की हत्या भी नगर के कोतवाली इलाके में हुई। कुल मिलाकर इलाका पुलिस पूरे मामले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट नजर आ रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि तुलसीदास को गोली लगने के बाद भी उन्होंने हमलावरों की पहचान बताई, उनके नाम बताए और क्या कुछ कहा, एक बार आइए सुनते हैं। अच्छा, किस बात को लेके? भैया मार दिया रबर है। अच्छा, और मुझको मार। अच्छा, यार हम नहीं आ रहे, सब बाहर आ रहे, इंतजाम करो। कोई थोड़ी इतने कुछ नहीं है। हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आप कच्चे जा रहे थे? घर से कच्चे जा रहे थे? तारीख थी क्या आपकी? तारीख पा रहे थे तो ये रंगा बिल्ला कहाँ रहते हैं? चौकिया रतनकुंड। तो देखा आपने किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद है। तुलसीदास को गोली लगी, उसके बाद भी उन्होंने जो हमलावर हैं उनके नाम बताए, उनकी शिनाख्त बताई, क्या पहचान है वो उनकी बताई। तो मथुरा का ये पूरी मथुरा की पूरी वारदात है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद हमलावर फरार हो गए। हालांकि पुलिस पर इस घटना के बाद दबाव बनता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी 3 घटनाएं हो चुकी हैं। उन घटनाओं की पुलिस गुत्थी सुलझाई रही थी कि इसके बाद एकाएक इस तरह की घटना घट जाती है, जो वाकई कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।